हेलो सो जैसे कि वीडियो के टाइटल से ही आप समझ गए होंगे सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट टोमेटो ग्रोइंग चेरी टोमेटो आई हैव ग्रोन इन माय होम गार्डन सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी बिट लेंथी आई एम गोइंग टू शो यू ऑल ऑफ द थिंग्स लाइक व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड क्या मुझसे गलतियाँ हुई कैसे पूरा प्रोसेस रहा कहाँ से मैंने सीड्स मंगाए कैसे ग्रो करे कितना टाइम लगा सो दिस इज वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है सॉइल प्रिपेयर करना। इस पॉट में मैंने लास्टली ब्रोकली प्लांट कर रखे थे, ब्रोकली का टाइम जा चुका है सो मैंने उनको हटा दिया है एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग द सॉइल। तो पूरा अच्छे से सॉइल को पूरा ड्राई किया है, पूरा प्रेप करना है अच्छे से, जिससे कि इसमें पहले के ब्रोकली का जो भी प्लांट आपने ग्रो कर रखा है उसके आगे कुछ भी इंसेक्ट्स या कुछ भी जर्म्स आगे नहीं जाएंगे प्लांट में। इसको ड्राई करके रख दिया है और मैंने इसमें टर्मेरिक पाउडर भी डाला था विच इज़ हेल्दी विच इज़ वेरी गुड फॉर किलिंग एनी काइंड ऑफ जर्म्स और इंसेक्ट्स। तो अच्छे से इसको सन में ड्राई करने रख देना है बिल्कुल भी एंड आफ्टर फ्यू डेज इट इज़ रेडी नाउ टू प्लांट न्यू सीड्स। तो ये मेरी सॉइल रेडी हो गई है, अब इसमें आई एम गोइंग टू प्लांट माय सीड्स विच आई हैव ब्रॉट ऑनलाइन लाइक अर्लियर। ब्रोकली के भी सीड्स मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे और इसके लिए भी आई हैव ऑर्डर्ड इट फ्रॉम उगाओ, इट इज़ एन ऑनलाइन स्टोर विच इज़ आई हैव ब्रॉट फ्रॉम अमेजोन एंड बिकॉज ब्रोकली के सीड्स की काफ़ी अच्छी क्वालिटी रही थी एंड काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेशो रहा था सो आई हैव ऑर्डर्ड अगेन फ्रॉम द सेम प्लांट, इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। सो ये चेरी टोमेटो है so let me tell you the mistake that I have made in, for this that I was not aware that cherry tomato has to be grown in the winter so I planted it in the summer so that is the mistake I have made so but still I will tell you ki maine kaise us galti ko rectify kiya and kaise fir wo wapas revive hue so yahan pe seeds ko chote se space bana ke usko plant karna hai लाइटली बहुत ही हल्के हाथ से उसको कवर करना है जिससे सीड्स डैमेज नहीं हो और इधर मिक्स नहीं हो। आफ्टर फ्यू डेज इट इज़ ग्रोन लाइक दिस सो सीड्स आर जर्मिनेटेड एंड जर्मिनेशन रेशियो इज वेरी गुड फॉर दिस सीड्स सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सीड्स एज पर द क्वालिटी ऑफ सीड्स द प्लांट जर्मिनेट्स। तो ये देखो काफ़ी दिन बाद मेरा प्लांट इतना बड़ा हो गया है टोमेटो का, बट इसमें जो वाइट लाइन्स लीव्स पे हो गई है, अर्लियर आई थॉट मे बी तो लीव्स पे, बट वो आई गॉट टू नो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंसेक्ट दैट इज अटैक्स ऑन टोमेटो। ये जनरली टोमेटो पे अटैक करता है तो इसकी लीव्स आप ये वाली हटा सकते हैं जिन पे अटैक हुआ है एंड यू कैन यूज़ नीम ऑयल, यू कैन स्प्रे नीम ऑयल फॉर प्रोटेक्टिंग योर प्लांट फॉर फर्दर एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स। तो जैसे मैंने बताया कि आई हैव प्लांटेड दिस इन द समर, तो इस बार गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी एंड बहुत चेरी टोमेटोज आर नॉट फॉर द एक्सट्रीम हीट और समर, तो वो प्लांट जलना स्टार्ट हो गए, दे स्टार्टेड बर्निंग आउट एंड द लीव्स बिल्कुल ड्राई आउट होके फॉल होने लग गई लाइक इट वॉज फॉलन लाइक दिस। सो मैंने जितने भी खराब लीव्स थी एंड खराब प्लांट थे वो सब हटा दिए, बट स्टिल आई डिड नॉट अप्रूटेड ऑल ऑफ द प्लांट बिकॉज आई वॉज जस्ट इन द होप कि वो रिवाइव हो जाएंगे एंड इट विल गेट बेटर विद द टाइम। So eventually after like June when the temperature starts falling and it start raining over here, so that time it start because I have not uprooted it completely so it got started reviving, mera plant revive hona start ho gaya and again it started flowering so I got to know okay so this is a cold temperature plant, it is not for the extreme heat or summer। So because it is revived now, it is flowering, it is having a good amount of flowers and that they are now turning into tomatoes because it is a cherry tomato, that size is very very little but it is very cute and also they are now getting matured and turning। So I would like to recommend you try to grow cherry tomatoes in the colder temperature, also try to spray like neem oil or any kind of spray time to time so that there won't be attack of insects because tomatoes do get attacked by the insects very easily, and enjoy your cherry tomato plant।